हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एबीएस का चैप्टर नंबर 6, फूड वी ईट क्लास 3 का। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फूड के बारे में, ठीक है, और कौन से रीजन में कौन सा फूड फेमस है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट डिफरेंट फूड एंड विच फूड इज फेमस इन विच रीजन। ओके, दैट लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी गुड़। यहाँ पे एक ब्लू टी शर्ट में एक लड़का है, ये क्या बोल रहा है, पिछले रात को मैंने चपाती खाया था जो बाजरा से बना हुआ था। और किसके साथ खाया था, जैगरी यानी कि गुड़ से, गुड़ के साथ वो चपाती को मैंने खाया था। यहाँ पे एक येलो ड्रेस में एक लड़की बैठी हुई है, ये बोल रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने क्या बनाया था, दाल और चावल बनाया था। क्या बनाया था, मैंने दाल और चावल बनाया था। और यहाँ पे पिंक फ्रॉक में एक लड़की है, इसने बोला यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। मेरे घर में कल रात को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी खाना नहीं बना था। ओके, और यहाँ पे एक पंजाबी है, ठीक है, सरदार जी ये क्या बोल रहा है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। मैं अपनी दादी माँ के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर खाने के लिए। वी एट दाल एंड चपाती, वहां पर मैंने दाल और चपाती खाया। और यहाँ पे ये बोल रही है कि अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक। अम्मी ने खीर और पूरी बनाया था जिस जो मुझे पसंद ही नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने खीर पूरी की जगह पर ऑमलेट खाया था। माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। मेरी माँ ने मछली बनाई थी और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बहुत खाया। और माई मदर ब्राउट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एंजॉयड ईटिंग इट। मेरी माँ ने मेरे लिए नूडल्स लाया था जहाँ पर वो काम करती है, और मैं खाकर काफी इंजॉय किया, काफी अच्छा लगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। आप लोगों ने कल रात क्या खाया था, कल दिन भर में किसी भी टाइम क्या खाया था, वो आप लिस्ट बना सकते हो फूड आइटम का, ठीक है, जो भी आपने खाया था कुछ भी, जैसे चपाती है ना, चपाती लिख सकते हो, और भी बहुत कुछ है, पोटैटो है ना, मैल्ड पोटैटो एंड मेनी मोर, जो भी आपने खाया है वो आप लिख सकते हो। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। तो आप लोगों ने जितने भी फूड आइटम्स जो आपने यस्टरडे खाया था यानी कल बीते हुए कल दिन खाया था, वो आपको लिखना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे। नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि सभी लोग जो है डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब जो है सब जगह का अपना अपना फेमस फूड होता है, तो सभी के फूड जो है वो सेम नहीं हो सकते। किसी के कुछ हो सकते हैं, जैसे अब तमिलनाडु साइड से है तो वो इडली वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर इडली फेमस है, तो डिपेंड करता है कि वो कौन से रीजन में रह रहा है, तो सभी के फूड कभी भी सेम नहीं हो सकते। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीजन। आप लोगों ने पेज नंबर 36 वाले पिक्चर में आप लोगों ने एक पिंक फ्रॉक में एक लड़की को देखा था, ये पिंक फ्रॉक में एक लड़की को देखा था, इसने क्या बोला था कि मेरे घर में खाना नहीं बना था, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट कुड बी द रीजन। तो देयर कुड बी मेनी रीजन्स लाइक द चाइल्ड फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील्स इन अ डे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है गरीबी, जिस वजह से दो टाइम का खाना भी मिल पाना मुश्किल होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है गरीबी की वजह से बहुत लोगों को खाना नहीं मिल पाता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है, हंगर इंडेक्स हम लोग के भारत में बहुत ज्यादा है, और इसलिए आप लोग भी कभी भी खाने को वेस्ट ना करें। चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हेंस कुड नॉट कुक फूड, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब इसका सेकेंड रीजन ये है कि उसकी माँ जो है वो बीमार पड़ सकती है, इस वजह से वो खाना नहीं बनाई होगी, है ना, ये भी एक रीजन है। हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वेयर वेरी हंग्री बट देर वॉज नथिंग टू ईट, इफ यस वाई। क्या कभी कोई ऐसा दिन है आपके
लाइफ में जिस दिन आप भूखे हो और उस दिन आपने कोई भी चीज नहीं खाया हो। इफ यस अगर हो तो आप बता सकते हो, तो आप कह सकते हो कि यस वन डे द वाटर सप्लाई वाज डिस्टर्ब एंड सो माय मदर वाज अनेबल टू कुक एनीथिंग। बिल्कुल एक दिन क्या हुआ था कि पानी नहीं आ रहा था और इस वजह से क्या हुआ, मेरी माँ ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। आफ्टर दैट वी ऑर्डर्ड अ रेस्टोरेंट फॉर फूड, द फूड वाज डिलीवर्ड टू आवर होम। इस वजह से मैंने इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था फूड और वो हमारे घर पहुंचा था। ओके, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं। व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टोमक इज एम्प्टी, जब हम लोग भूखे होते हैं तो हमारा स्टोमक है यानी कि हमारा जो पेट है वो फील यानी कि महसूस होने लगता है कि हाँ हम लोग क्या है भूखे हैं, पता चल जाता है स्टोमक के थ्रू। ठीक है, हाउ डू यू फील वेन यू आर हंग्री, कैसा लगता है जब आप हंग्री होते हैं यानी कि जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा फीलिंग होता है, कैसा महसूस होता है। वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टोमक विच गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री, वेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग। तो हम लोगों का जो पेट है वो अलग प्रकार के सेंसेशन देता है यानी कि एक सिग्नल देता है कि इससे ये पता चलता है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मीन्स दैट हम भूखे हैं। व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, जब हम लोग भूखे होते हैं तो मुझे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ खाना चाहिए, ऐसा फील होने लगता है। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर में अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिल सके। विपुल्स फैमिली, इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट। विपुल के फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विपुल खाता है वो नहीं खाते हैं। देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट, ऐसे बहुत सारे विपुल्स के घर में ऐसे लोग हैं जो विपुल खाता है वो घर वाले नहीं खाते। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विपुल खा रहा है कि और इसके फैमिली वाले क्यों नहीं खा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली, चलिए हम लोग पढ़ते हैं विपुल्स के फैमिली के बारे में। व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बाउट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब, जब विपुल अपने घर आ रहा था स्कूल से तो उसने एक भुट्टा खरीदा। ठीक है, भुट्टा तो आप लोग खाए होंगे, है ना। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज चुटकी, तो जैसे ही वो घर पहुंचा और अपनी माँ से ये पूछा कि चुटकी कहाँ है, आई वॉन्ट टू सी हर, मैं चुटकी को देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड चुटकी इज इन द रूम अप स्टेयर, उसकी माँ ने उसे बोला विपुल को कि वो कहाँ है, ऊपर वाले फ्लोर पे है, जो सेकेंड फ्लोर पे। ओके, सीढ़ी से चुटकी को देखने के लिए जा सकते हो, वहां ऊपर में मिल जाएगी वो। विपुल काउट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड यू ऑल्सो कम अप स्टेयर्स विद मी, विपुल ने अपनी दादी माँ के हाथ को पकड़ा और उसे भी अपनी दादी माँ को भी बोला कि चलिए आप मेरे साथ ऊपर। और हिज मदर स्टॉप हिम, आई हैव सॉल्व बायाज चपाती इन दाल, और उसकी माँ ने विपुल को बोला कि नहीं नहीं वो नहीं जाएगी, दादी माँ नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने उनके लिए क्या रखा है, चपाती और दाल को डुबो के रखा हुआ है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, उन्हें खाने दो। ओके, हैव यू पुट शुगर इन द दाल, आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड डैडी टू विपुल्स मदर। विपुल्स की दादी माँ ने विपुल की माँ को ये बोला कि क्या तुमने दाल में चीनी डाला है। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की माँ ने दादी माँ को रिप्लाई किया, दादी माँ को बोला कि मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है और काफी अच्छे से बन चुका है ये। ओके, विपुल्स पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अप स्टेयर्स, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल्स अपने दादी माँ के हाथ को पकड़कर वह ऊपर चल सॉरी विपुल्स अपने दादी माँ के प्लेट को लेकर वो ऊपर चला जाता है और यानी कि छत पर। ही आस्क्ड हर टू फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और अपनी दादी माँ को बोलता है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। उसकी दादी माँ उसे ये बोलती है जब तुम्हारे एज की मैं थी तो मैं
पहाड़ पर चढ़ जाया करती थी। ओके रिपोज गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी वॉज हिज हैंड एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी। विपुल अपने भुट्टे को मामी को दे दिया और अपने हाथों को साफ किया और चुटकी को अपने गोदी में उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग सी इज हंग्री सेड मामी सी सेड डाउन टू फीड चुटकी। तो चुटकी काफी भूखी थी और काफी रो भी रही थी, तो उसकी माँ यानी कि उसकी मामी ने उसे क्या किया, खाना खिलाया। Why was दादी नॉट एबल टू क्लाइम दी स्टेयर्स क्विकली, दादी माँ सीढ़ी को आसानी से क्यों नहीं चढ़ सकती, इसके पीछे क्या रीजन है? ऑब्वियस सी बात है कि वो काफी एज हो गया है ना, तो एज के वजह से दादी हैज बिकम टू ओल्ड टू क्लाइम द स्टेयर्स। एज जब हो जाने के बाद क्या होता है कि फुर्ती और बॉडी में उस तरह का फुर्ती नहीं होता है कि वो आसानी से वो ऊपर चढ़ सके, बोन कमजोर हो जाता है। ओके आफ्टर 60-70 ईयर्स ओल्ड तो क्या होने लगता है, बोन क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, इस वजह से चढ़ने में काफी तकलीफ होता है। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, सी बिलोंग्स टू नागपुर एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन इट। तो दादी को दाल के साथ चीनी डालना बहुत पसंद है क्योंकि नागपुर के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दाल में चीनी डाल के खाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजली एंड व्हाई, ऐसे कितने सारे लोग हैं इस स्टोरी में जो भुट्टे को आसानी से खा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भुट्टा जो होता है काफी स्ट्रांग होता है ना। इन द स्टोरी विपुल हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा इजली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ। तो विपुल के फैमिली में विपुल और उसकी माँ और मामी ये सब क्या कर सकते हैं, भुट्टा आसानी से खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दांत काफी हेल्दी है, काफी मजबूत है। ओके और उनकी दादी माँ के दांत जो है वो कमजोर भी हो गए और हड्डियां भी क्या हो गई है, कमजोर। फॉर कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा व्हाई, तो क्या आप बता सकते हो कि सभी बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है भुट्टा खा सकते हैं? ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ एंड हेंस मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट अ भुट्टा। जैसा कि आपको पता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो भुट्टा नहीं खा सकते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके दांत क्या होते हैं, कमजोर हो चुके होते हैं। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड। व्हाई? जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के दूध को पीते हैं, ठीक है, जब वो 4 or 5 months के जब होते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों? 4 month old babies do not have teeth, so they feed on milk only and mother's milk is the best food for them. तो जब वो 4 या 5 वर्ष के होते हैं, सॉरी 4 या 5 month के होते हैं, तो वो उनके दांत नहीं होते हैं और वो इस वजह से दूध पीते हैं, ठीक है, और सबसे बेस्ट फूड मदर्स मिल्क ही है बच्चों के लिए, है ना। आस्क योर एल्डर एंड फिल इन द टेबल, अपने बड़े लोगों से पूछना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट कैन दे ईट व्हाट कैन दे नॉट ईट, चाइल्ड यानी कि जो बच्चा होता है वो क्या बचपन में खाता है, जैसे ये छोटा बच्चा नजर आ रहा है तो ये क्या क्या खा सकता है, तो मिल्क यानी कि दूध, वाटरी दाल यानी कि दाल वो पी सकता है, खिचड़ी क्योंकि वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना, वो आसानी से वो खा सकता है। तो व्हाट कैन दे नॉट ईट, बच्चे क्या नहीं खा सकते, तो भुट्टा खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांत क्या होते हैं, नहीं होते हैं, जब वो 4 से 5 महीने का होता है तो उसके दांत नहीं होते। नट्स भी नहीं खा सकता, जो भी हार्ड आइटम है, हार्ड फ्रूट्स है, वो नहीं खा सकता, ना ही चपाती खा सकता। यंग यानी कि जो जवान होते हैं वो क्या क्या खा सकते हैं, वो हर एक चीज को खा सकते हैं ना, क्योंकि उनके टीथ भी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं ना। देयर इज नो एडिबल आइटम दे कैन नॉट ईट, ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो वो यंग लोग नहीं खा सकते। ओके अब जो बूढ़े लोग है ना, जो बूढ़े लोग है यानी कि जो बुजुर्ग लोग है, वो चपाती, सॉफ्ट ड्रिंक, दाल और मिल्क, राइस, मैश्ड पोटैटो, खिचड़ी। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, उनके दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो कमजोर 60 ईयर्स के बाद होने लगते हैं, तो वो लोग लिक्विड आइटम जो है वो ज्यादा खाना पसंद करते हैं, वो ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं, मतलब वो आसानी से वो च्यू कर सकते हैं, मतलब आसानी से वो चबा के खा सकते हैं, क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो आफ्टर 60 ईयर्स क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। चपाती, सौ ग्रीन दाल यानी कि
आप लोग भी कभी खाए होंगे दाल रोटी, है ना, और मिल्क दूध वगैरह, राइस चावल मैश पोटैटो, है ना, खिचड़ी, ये सब क्या कर सकते हैं, वो सब खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट्स, नट्स, भुट्टा भुट्टा वगैरह हो गया, कुछ हार्ड फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, ये सब वो नहीं खा सकते, ये बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग है ना, वो सब नहीं खा सकते। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो हम लोगों ने अभी जो भी चीज हम लोग खा सकते हैं, या फिर बूढ़े लोग खा सकते हैं, या फिर बच्चे खा सकते हैं, और जो चीज नहीं खा सकते उनके बारे में हम लोग जाने। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? नॉट ऑलवेज। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी नॉट ईट। वैसे चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं जो हम लोग, पुट अ सर्कल ऑन थिंग ऑन द थिंग्स दैट यू कैन दैट यू ईट ऑफन। आप लोग उस ऑप्शन को सर्कल करिएगा जो आप लोग हमेशा खाते हैं। तो आप लोग चावल दाल, है ना, चावल वेट, ये सब क्या करते हैं, हमेशा खाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी फूड हैं वो ग्रोज इजली एट विच प्लेस, तो सभी जगह के अपने अपने खास कुछ फूड आइटम्स होते हैं। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पंजाब साइड जाएंगे तो वहां का अलग फूड है, और सबसे पहले पेज नंबर 36 में सरदार जी थे, है ना, और कुछ अलग रीजन के लोग थे, तो उन लोग के रीजन के फूड अलग थे, इनके रीजन के फूड अलग, तो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट फूड होते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखना है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज इट इन मोर। अब ये आपको पता करना है कि ये सब जो चीज है वो कौन से प्लेस पे ज्यादा होते हैं। तो राइस इज ईटन मोर इन बिहार, यानी कि चावल जो है वो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरला, है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में चावल ज्यादा लोग खाते हैं। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, तमिलनाडु, इन सब जगह पे राइस ज्यादा लोग खाते हैं। वेट इज ईटन मोर इन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। और जो वेट है वो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ खाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना, और मेज जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगहों पर खाए जाते हैं। मिलेट इज इट इन मोर इन राजस्थान, और मिलेट जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में खाए जाते हैं, है ना। तो ये सब फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फूड आइटम कौन से स्पेसिफिक रीजन में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा यूज करते हैं, जो ज्यादा लोग खाते हैं, है ना। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। हम लोग उसी सेम प्रोडक्ट से बहुत सारे चीज को बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैदा यानी कि फ्लोर से चपाती भी बनता है, ब्रेड भी बनता है, बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। तो एक आइटम से बहुत सारे वैरायटी के फूड बनाए जा सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड वेट। तो हम लोगों को ये पता करना है कि राइस और वेट से क्या क्या चीज बनाए जा सकते हैं। तो थिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेट, चपाती, हलवा, केक, स्लाइस ब्रेड, तो बहुत सारे चीज बन सकते हैं, जैसे कि वेट से चपाती, हलवा, केक, स्लाइस ब्रेड, है ना, पूरी, पुआ, एक्सेट्रा। थिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस और चावल से क्या क्या चीज बन सकते हैं, पुलाव बन सकते हैं, डोसा, है ना, इडली, उत्पम, खीर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, चावल से बनने वाले प्रोडक्ट है। तो एक चीज से बहुत सारे चीज बन जाते हैं, वेरियस फूड आइटम्स। ओके, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, एक्सेट्रा आर रिटेन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेट अस टॉक अबाउट इट। जैसा कि आपको पता है कि फूड जो होते हैं बहुत डिफरेंट वेराइटी के होते हैं, तो सभी लोगों के अपने अपने पसंद होते हैं और नापसंद होते हैं। कुछ लोगों को कुछ खाना पसंद है, कुछ लोगों को कुछ खाना नहीं पसंद है ना। तो वैसे फूड के बारे में आपको बताना है जो आप पसंद करते हैं। जैसे आप कह सकते हो मुझे बिरयानी पसंद है, जलेबी पसंद है, समोसा पसंद है, रसमलाई पसंद है, ये सब आप बोल सकते हो कि ये सब मुझे बहुत पसंद है ना। इडली किसी को पसंद होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पसंद क्या है। तो आप लोग अपने लाइक्स के अकॉर्डिंग आप लोग जिस फूड को पसंद करते हैं वो फूड यहाँ पर लिख सकते हैं। और वैसे फूड को लिखना है जो आप पसंद नहीं करते, जैसे पम्पकिन, खिचड़ी, पौरी, यहाँ दलिया है, ठीक है, तो ये सब आप नहीं पसंद करते हैं। हो सकता है मे बी आप लोगों का अलग अलग होगा आंसर।
तो बहुत लोगों को करेला पसंद नहीं हुआ है ना। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आप नहीं पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है, जो पसंद करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स योर फ्रेंड्स? माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर सिमिलर टू माई फैमिली मेंबर्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। तो मेरा जो पसंद है और मेरा नापसंद जो है मेरे फैमिली से मिलता जुलता है, लेकिन मेरे दोस्त से मिलता नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो दूसरे रीजन से बिलोंग भी करते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। तो कुछ लोगों के बारे में बातें करते हैं कि कुछ अलग कंट्री के लोग के बारे में बात करते हैं, कुछ अलग स्टेट के बारे में बात करते हैं कि वो लोग को क्या क्या खाना पसंद है। आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ और मेरी माँ और मैं स्नेक यानी कि सांप को खाती हूँ। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक्स वी गो टू नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हु फैन। तो मैं सांप खाने के लिए यानी कि स्नेक खाने के लिए मैं होटल जाती हूँ और लिंग हु फैन होटल में जाकर खाती हूँ। सॉरी, लिंग हु फैन स्नेक का नाम है, ठीक है। तो ये होटल में जाकर वो स्नेक को खाती है। ये हांगकांग का ये था। आई लिव इन जूनी है, आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मुझे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में भुना हुआ मछली बहुत पसंद है। वंस वी हैड गोन टू गोवा, जब हम लोग पहली बार गोवा गए थे, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। जब हम लोग पहली बार गोवा गए थे तो वहां पे हम लोगों ने मछली खाए थे। तो माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो जो मछली था वो किसमें बना है, कोकोनट ऑयल में यानी कि नारियल के तेल में, ठीक है। इट हैड टू बी डिफरेंट, वो काफी अलग ही डिफरेंट टेस्ट था, तब से मुझे पसंद है फिश। ओके, और यहाँ पे थॉमस है, आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीज बहुत पसंद है खाने में। बोथ ग्रो इन आवर कॉट यार्ड, और दोनों जो है, कॉट यार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है। कॉट यार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन, अपना आंगन। तो मेरे आंगन में दो चीज होते हैं, वो दो चीज कौन कौन से है, वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री, एक जो है वो लंबे से पेड़ पर होता है, एंड अदर अंडरग्राउंड, और एक जो है वो जमीन के अंदर होता है। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टोपेको एंड विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये काफी अच्छा लगता है, बॉइल्ड टोपेको, ठीक है, और विथ करी, विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो ये काफी अच्छा लगता है और काफी अच्छा टेस्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। तो हम लोग जैसा कि पता है कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज इजली अवेलेबल इज करेक्ट, व्हाट वी कैन बाय इज ऑल्सो करेक्ट, कस्टम एंड ट्रेडिशन इज ऑल्सो करेक्ट, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक इज ऑल्सो करेक्ट, फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम। ओके, तो हम लोग को मेनली इसमें यही बताना था कि व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, कौन कौन से ऐसे रीजन है, वजह है जो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या क्या खाएंगे। तो ये तो बता, ये कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, वजह कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लोग को जो इजली अवेलेबल है वो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं ना, और जो हम लोग खरीद सकते हैं है ना, तो वो हम लोग खाते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन, और जो अभी चल रहा है तो वो भी हम लोग खाते हैं। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक, जो हम लोग को पसंद है नापसंद है वो भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम्स, और जो फूड आइटम्स है उसके फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवेन बिलो, पुट टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन इफ देयर इज एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, आस्क योर टीचर। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिसे आप लोग खाते होंगे, तो वो फूड आइटम्स पे टिक लगाना है। जैसे आप बनाना फ्लावर है ना, बनाना फ्लावर ये खाया जाता है, हेम्स एग, फिर कॉलीफ्लावर है ना, पत्ता गोभी है ना, ड्रमस्टिक फ्लावर है ना, ये भी खाते हैं। लीव्स ऑफ अरबी, अरबी के पत्तों वो हम लोग खाते हैं। मीट तो पता ही बहुत लोग खाते होंगे, और जो वेजिटेरियन होंगे वो नहीं खाते है ना, मशरूम है ना, रैट नहीं खाते। सीड्स ऑफ ऑनियन कलौंजी, तो सीड्स ऑफ ऑनियन कलौंजी ये भी बहुत लोग खाते होंगे, करेक्ट है। तो लोटस स्टीम भी खाया जाता है, फिश यानी कि लोटस का तना, ठीक है, लोटस के तने को भी खाया जाता है, ठीक है, कमल के तने को भी खाया जाता है, फिश मछलियों को भी खाया जाता है, और
मछली को तो खैर सब लोग खाते हैं, क्रैब, क्रैब एक्चुअल में सी, जहाँ पर भी सी वाले एरिया है, सी साइड वाले एरिया होते हैं, वो वाले एरिया में क्रैब लोग खाते हैं। रेड आर्ट, फ्रॉग, ग्रास नहीं, लेफ्ट ओवर चपाती नहीं, आंवला बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग, इज करेक्ट, कोकोनट ऑयल यस, कैमल्स मिल्क ऊँट के दूध, हाँ, चपाती बिल्कुल, चपाती हाँ ठीक, चपाती ऑफ मेड ऑफ बाजरा, बाजरा की चपाती बने हुए खाते हैं, चपाती मेड ऑफ ग्राम बिल्कुल, ये भी हम लोग खाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर रिटन बिफोर यू बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होंगे जिसे आप लोग क्या करते हैं, कभी भी नहीं खाए होंगे। ऐसा बहुत सारा फूड हो सकता है जो आप लोग कभी अभी अभी तक नहीं खाए होंगे। तो जैसे आप कह सकते हो चपाती मेड ऑफ बाजरा, चपाती मेड ऑफ ग्राम, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये खा भी चुके होंगे, तो वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं खाते वो सिर्फ लिखेंगे ये चीज, जो जो आप नहीं अभी तक खाए हुए हैं। ठीक है, ड्रम स्टिक, फ्लावर्स, क्रैप्स, लोटस स्टीम, तो ये सब जो जो नहीं खाए वो सब यहाँ पर लिखना है। तो दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऑनलाइन स्टडी चैनल को, और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दीजिए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।